नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी सेना पर फिर से हुआ है भीषण हमला, जिसमें 3 से 4 की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक हुए घायल। इसके साथ ही पाकिस्तान और तालिबान में मचा है घमासान, और किस प्रकार से पाकिस्तान के मंत्री ने तालिबान के खिलाफ दिया है बयान, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय किस प्रकार का माहौल है, यह आपसे और पूरी दुनिया से छिपा नहीं है, और इसको इंटरनेशनल मीडिया जोरों शोरों पर कवर भी कर रही है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी सेना पर लगातार और जोरदार हमले किए जा रहे हैं, और ये हमले और कोई नहीं कर रहा, वही टेररिस्ट करते हैं जो कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर पनाह देकर रखे हुए है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान और वजीरिस्तान जैसे प्रांतों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती है, जिससे वहाँ के आम नागरिक पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठाने लगे हैं, और इसमें कई सारे पाकिस्तानी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से वजीरिस्तान में भीषण हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 3 से लेकर 4 की संख्या में सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, और 1 सिविलियंस भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरअसल दोस्तों, यह जो घटना है वो नॉर्थ वजीरिस्तान की है, और यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोजिव की मदद से पाकिस्तानी सेना की चौकी के पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। इसके साथ ही 1 सिविलियंस भी गंभीर रूप से इंजर्ड हो चुका है। दोस्तों, यह तो थी पाकिस्तान के ऊपर हमलों की खबर, और अब एक और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान और तालिबान के विवाद को लेकर। दरअसल डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भीषण घमासान हुआ था, जिसमें तालिबानी लड़ाकों पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा लगभग 145 की संख्या में मोर्टार डाके गए। इसके बाद में भी पाकिस्तान नहीं रुका, और अब पहली बार पाकिस्तान की मंत्री की तरफ से तालिबान के खिलाफ कोई भी बड़ा बयान सुनने को मिला। दरअसल पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी की तरफ से ऐसा बयान निकल के सामने आया है कि अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तान की महिलाओं पर तालिबान ने जो पाबंदियां थोपी हैं वो सरासर गलत हैं, और जिन्ना कभी नहीं चाहते थे कि ऐसी रूढ़िवादी सोच किसी भी देश में आए या फिर पाकिस्तान में आए, जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता पूरी तरीका से खत्म कर दी जाए। खैर दोस्तों, यह तो पाकिस्तान के मंत्री हैं जो पहली बार तालिबान के खिलाफ बोले हैं, परंतु पाकिस्तानी सेना को लेकर तालिबान भड़क चुका है, और पाकिस्तानी सेना को सीधी धमकी दी है कि अब हमारे लड़ाके तुम्हारे ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही भीषण तरीके से हमला किया है अफगानिस्तान के अंदर, और जिससे अफगानिस्तान के गाँव में रहने वाले आम नागरिक भी घायल हुए हैं। खैर, अब आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।